नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। पौड़ी जिले में बीते दो दिनों से हो रही बारिश से जहां एक ओर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक वाहन मूसलाधार बारिश से बीच गदेरे में फंस गया। जानकारी के मुताबिक बांगघाट मोटर मार्ग पर एक कार मलबे में फंस गई, जिसे निकालने की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, लीजिए आप भी देखिए। दरअसल ये पूरा मामला पौड़ी जिले के सतपुली का है, जहां दिल्ली जा रहा वाहन बीच गदेरे में फंस गया। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर मोटर मार्ग बाधित हो रहे हैं, वहीं भूस्खलन और मलबे से कई वाहन खतरे की जद में आ रहे हैं। इसी के चलते सतपुली बांगघाट मोटर मार्ग पर चमोली सैन के पास दिल्ली के एक कार मलबे में फंस गई, जिसके बाद मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई। वहीं प्रशासन को सूचना देते ही प्रशासन की ओर से कार को निकालने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान मामले में पौड़ी जिले के जिलाधिकारी का कहना है कि सभी तहसीलों में रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में सतपुली और पौड़ी में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिस पर आपदा कंट्रोल रूम अपनी निगाहें बनाए हुए है। आज सुबह से लगातार बारिश हो रहा है और पौड़ी लैमडाउन इन क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो रही है। लगभग 40 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर का बारिश इन दो तहसील क्षेत्र में हुआ है। अन्य तहसील में भी वर्षा हो रही है, हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो रही है। पूरे जनपद में जो एवरेज वर्षा हुआ है वो 30 मिलीमीटर का लगभग हुआ है। अभी वर्षा भी चल रहा है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।